तो भाई 119 कंट्री घूमने के बाद फाइनली पहुंच चुका है भाई अपने इंडियन पासपोर्ट के साथ एंटार्क्टिका यात्री डॉक्टर। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में, और ये है हमारा day 6 इस एंटार्क्टिका के क्रूज पे। तो आज हम रुके हैं भाई पोर्ट लॉक्रोए में, और यहाँ पे आज हमारी एक जोडियक लैंडिंग है और एक है जोडियक क्रूज, मतलब एक में सिर्फ बिठा के घुमाएंगे, एक में हमको धरती पे उतारेंगे। वहाँ पे कुछ हट्स भी दिख रहे हैं। यहाँ पे है दुनिया का सदर्न मोस्ट पोस्ट ऑफिस भी, यहाँ से आप पोस्ट कर सकते थे पर अब नहीं कर सकते क्योंकि एवियन फ्लू करके एक फ्लू था जो कि काफ़ी ज़्यादा फैल गया और उसके बाद वो पोस्ट ऑफिस बंद करना पड़ा। एक बेस और है यहाँ पे, वो भी ऑपरेशनल है तो आप उसके अंदर नहीं जा सकते, तो दूर दूर से देख सकते हैं, मतलब हट टाइप है। वहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से देखो, पहले वहाँ पे देखो बंदे गए हैं, वहाँ पे हट दिख रही है आपको, वो हट टाइप है, तो वो अर्जेंटीना की है। तो उसके अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अभी वो ऑपरेशनल है, वहाँ पे लोग रहते हैं, और उसके ऊपर एक रनवे भी है जहाँ पे प्लेन्स लैंड होते थे। मतलब रनवे आपको ऐसा तारकोल का बना हुआ नहीं दिखेगा जैसे एयरपोर्ट पे होता है, वो बर्फ का ही रनवे है। तो वहाँ से जाके देखते हैं कैसा क्या नज़ारा रहता है। तो भाई आज हम लेके चलेंगे अपना इंडिया का फ्लैग जो कि वहाँ पे मैं लहराऊंगा तो क्या ही पेपर का है, पर अपने दिल को बहुत तसल्ली मिलेगी क्योंकि यार इंडियन पासपोर्ट पे यहाँ पे हम घूमे हैं, 119 कंट्री, 7वां कॉन्टिनेंट है, 7वां कॉन्टिनेंट हो चुके, जल्दी 197 कंट्रीज भी मैं पूरी कर दूंगा अपने इंडियन पासपोर्ट पे। बहुत सारे लोगों ने शायद कर रखी हैं, इंडिया से शायद मेरे हिसाब से 197 करी होंगी 2 या 3 लोगों ने, पर किसी ने व्लॉगिंग नहीं करी, तो शायद व्लॉगर में मैं सबसे पहले कर दूँ। 2017 में जब जर्नी स्टार्ट करी थी तो मैंने यही सोचा था भाई कि सारी कंट्री जाना ही है, मेरे बायो में भी लिख रखा है यूट्यूब वालों में कि इस छोटी ज़िंदगी में मैं सारी कंट्री एक बार तो जाना चाहता हूँ, और अपना पासपोर्ट थोड़ा वीक है पर कोई दिक्कत नहीं है। मैं इंडिया के पासपोर्ट से खामियाँ भी बहुत निकालता हूँ, इंडिया में भी खामियाँ बहुत निकाल देता हूँ घूमते वक्त, तो उन सब की बातें हम वहीं लैंड होके करेंगे एंटार्क्टिका में कि क्यों मैं अपने देश से इतना प्यार भी करता हूँ और क्यों इतनी मैं खामियाँ भी निकालता हूँ। तो वरना मैं प्यार नहीं करता तो भाई अभी तक मैं इंडिया को छोड़ के दूसरे देशों में बस चुका होता ना, सारे वीज़ा है मेरे पास, US, कनाडा, फैनाडा, ये वो, दुनिया चली जाती है भाई, भाग जाती है इंडिया से, इलीगल चली जाती है। उनको भी प्यार होता है अपने देश से, पर मेरे को ऐसा है भाई मेरे को नहीं छोड़ के जाना अपना देश, मेरे को अपने देश में ही रहना है, और मैं कभी छोड़ने की ना, मतलब मेरे दिमाग में कभी आई भी नहीं कि मैं बस जाऊँ दूसरे देश जाके। मेरे पे ये था कि यार जब मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था कि भाई मेरे को ना एक बार 2-3 साल के लिए दूसरे देश में रह के देखना है कि भाई ज़िंदगी होती कैसी है, मतलब कि मतलब अपने आप, मतलब सेल्फ सफिशिएंट होना, कि मतलब खुद ही आप रूम में रह रहे हो, खुद ही खाना बना रहे हो, खुद ही सब कुछ खरीदवारी वगैरह कर रहे हो, खुद की अलग से ज़िंदगी करनी, पर वो भी मैं कर नहीं पाया, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, पर वो था मेरा, पर बसने का मेरा किसी भी देश में सपना नहीं था, इसलिए आज तक मेरे पास इंडियन पासपोर्ट है, वरना मैं जो UK, कैनेडा, US के पासपोर्ट की तरफ भाग चुका होता अभी तक कि भाई चलो ले लेते हैं, वीज़ा तो लग ही गया है, अब यहीं पे रहना शुरू कर देते, पर मैंने कभी सोचा भी नहीं, मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि कभी मैं मतलब दूसरे देशों में जाके रहूं। तो चलते हैं, क्रूज से उतरते हैं और आपको दिखाते हैं पोर्ट लॉक्रोए। तो भाई इन्होंने कहा था वाटरप्रूफ बैग भी लेके आना कि अगर आप गैजेट्स वगैरह लेके जाना चाहते हो, तो ये तो बैग तो किसी काम आया नहीं क्योंकि हम कुछ लेके ही नहीं जाते भाई, फ़ोन और माइक के अलावा अपना झंडा ही डाल लूँ ताकि फोल्ड ना हो ये, और पूरा बैग टांग लूँगा फिर मैं। चलो भाई इस बैग में रख लिया झंडा, अब फोल्ड नहीं होएगा, मैं ऐसे कैसा टांग लूंगा, वरना झंडा फोल्ड करके रखना पड़ता, वो मैं करना नहीं चाहता था, तो ऐसे कैसा टांग लेंगे अभी इसको। चलो भाई चलते हैं, ये मशीन चलनी बंद हो गई थी, चलते हैं भाई पोर्ट लॉक्रोए पे। चलो भाई निकल चुके हैं day 6 के लिए पोर्ट लॉक्रोए, या निकाल ही दिया भाई मैंने पैर यहाँ पे, और एंटार्क्टिका की धरती पे अपना कदम भी रख दिया। लो अब कुछ नहीं, बहाना बनाया ना आपने पानी जान के घुसाया ना आपने जानबूझ के, और जुराब भी नहीं पहन के आए कि पूरा टच हो है ना भाई, है तो अभी भी थोड़ा थोड़ा मतलब फील सा हो रहा है, तो होने दो, पकड़ो तो नए बूट ले लो, पर भाई मैं वापस नहीं जा रहा बैठ के, दोबारा कौन जाएगा, एक घंटे में तो वैसे ही वापस जाना है ना।
तो क्या बता, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिले, आप क्लेम कर सकते हो एक्स्ट्रा टाइम, ये तो कानून के पक्के है ना। चलो आ जाओ भाई, मेरे तो जूतों में पानी भर गया। मेरे को नहीं पता था इनमें चेट वेद भी हो जाते भाई, इनको चेक करके रखने चाहिए थे। फिर इन्होंने मेरे को ऑप्शन दिया था, वापस चले जाओ इस बार जो बोट वापस जा रही है, और आप अगली वाली पे आ जाना नए वाले बूट पहन के, पैर वैर सुखा के। मैंने कहा इतना कुछ नहीं हो रहा, 0 डिग्री है वैसे भी यहाँ पे, और पानी अंदर चल के गर्म ही हो गया मेरी बॉडी के टेम्परेचर से। तो मैंने कहा नहीं, वापस नहीं जा रहा मैं, काम निपटा के जाएंगे अब तो। तो इसलिए भाई मैंने यहाँ पे मतलब बूट बूट उतारने अलाउड नहीं है, और मैंने तो भाई टिका दिया अपना पैर निकाल के बूट में। तो भाई यहाँ जो हम आए हैं, इस पॉइंट का नाम है डमोय पॉइंट। तो आज भाई यहाँ पे स्लिपरी भी नहीं है, तो टावल वावल भी नहीं बिछा रखे इन्होंने। चलो तो भाई बूट में तो पानी भर गया, पर कोई दिक्कत नहीं, वापस नहीं जाएंगे हम, यहाँ निकालेंगे भाई अपने देश का झंडा। भाई अकड़ गया मेरा पूरा बैग ये झंडा भी। तो मैं कपड़े का होता तो मैं ऐसी जेब में डाल लाता, पर ये फोल्ड हो जा मतलब वो हो जाते, इसमें लाइनें पड़ जाती, पूरे का पूरा ऐसे ही लेके आया हूँ मैं, ये ज़मीन पे ही रख सकते बैग वैग। तो पाजी को दे देता हूँ, लो पाजी पकड़। तो भाई 119 कंट्री घूमने के बाद फाइनली पहुंच चुका है भाई अपने इंडियन पासपोर्ट के साथ एंटार्क्टिका, यात्री डॉक्टर। तो भाई ऊपर था वो जहाँ पे लोग वॉक करने लग रहे हैं ना, वो था भाई रनवे, मतलब रनवे पूरा बर्फ का है, ऐसे आपको पता नहीं चलेगा, पर पता चलेगा कि बर्फ बिल्कुल प्लेन कर रखी है। तो वो रनवे था ये, इसको कहते हैं भाई रेफ्यूजी टाइप हट है ये। इसमें क्या होता था, कोई बंदा छूट गया या फिर कुछ भी हो गया तो वो इसमें जाके छुप जाता था। रेस्क्यू हट है, मतलब कुछ भी बाढ़ वाड़ सी भी आ जाए तो इसमें जाके लोग छुप जाते थे। अभी ये मतलब ऐसे बोल रहा है कि जब तक हम बोल लेना आपको कि इसमें जाना है तो आपको नहीं जाना। ये वाला अर्जेंटीना का बेस स्टेशन है, वन ऑफ द बेस स्टेशन, और ये अभी ऑपरेशनल है तो इसके अंदर नहीं जा सकते। तो भाई एज ए ट्रैवलर 119 कंट्री करने के बाद मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, तो मेरे लिए तो भाई बहुत ही खुशी का मौका है। सोचो कहाँ 2017 में सोचा था कि यहाँ पे पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, तो दिमाग में ही नहीं आता था ना तब कि भाई एंटार्क्टिका भी जाना है। अभी तक भी नहीं आता भाई मेरे, इतना महंगा टूर 5-1 लाख रुपए का मेरे सब्सक्राइबर्स की वजह से पॉसिबल हुआ है। तो इसलिए मैंने पूरी सीरीज़ भी डेडिकेट सब्सक्राइबर्स को ही करी है, तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है भाई आके। और अपना झंडा फहराने में ना भाई मतलब कुछ अलग अंदर से फीलिंग आई एक कि हाँ भाई, वैसे मैं करता नहीं हूँ ये सब कि हर देश में जाके झंडा फहराना, या फिर बहुत लोग मैसेज करते हैं भाई तू 15 अगस्त 26 जनवरी को भी कुछ नहीं डालता। भाई मैं तो कहता हूँ कि रिस्पेक्ट ना दिल में होनी चाहिए, दिखावे वाली रिस्पेक्ट मैं विश्वास नहीं करता उसमें। तो मैंने यहाँ पे इसलिए करा क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था ये। और लोग क्या करते हैं भाई 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा तो फहरा देते हैं, वही झंडे फिर रोड पे पड़े रहते हैं। इसलिए मैं कभी वो झंडा भी नहीं ऐसे करता कि भाई खरीद लिया फिर उसको फेंक दिया, अपना खरीदा तो भाई ढंग से लेके आए, उसको ढंग से लेके जाऊंगा वापस। तो इसलिए भाई बहुत सारे लोग इंस्टा पे मैसेज करते हैं, अरे कुछ तो डाल दे 15 अगस्त 26 जनवरी को। भाई फेक देशभक्ति दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है, पोस्ट डालने से कुछ नहीं होता, अपने दिल में रिस्पेक्ट रखो अपने देश के लिए, वही बहुत है। तो अब चलते हैं हम ऊपर, वहाँ पे जाके देखते हैं, सिर्फ का नज़ारा बढ़िया लगेगा। आज थोड़े बादल ज़्यादा हैं, बर्फबारी भी होने लग रही है, तो यहाँ पे कुछ होगा भी नहीं होगा, मैं बाहर तो आता हूँ बंदा देखने कि कौन आया ये, पर इनके लिए रोज़ का ही काम है, रोज़ कोई ना कोई शिप यहाँ पे आता रहता है। तो आज भी हमारे पास 3-4 चॉइसेस थी, वहाँ पे जा सकते हो जेंटू पेंगुइन देखने, वो बहुत बार देख चुका तो मैं नहीं जा रहा, और यहाँ पे ऊपर जा सकते हैं पूरी हाइक करते हुए। तो पूरी हाइक करते हुए ऊपर चलते हैं, सब लोग वहीं जा रहे हैं, और स्टिक्स भी लेके गए हैं लोग, पर मेरे को लगता नहीं स्टिक फटिक की ज़रूरत है, हम बिना स्टिक फटिक के ही चले जाएंगे। तो इंडिया के 2 रिसर्च बेस भी हैं एंटार्क्टिका में, और एक रिसर्च बेस तो 35 ईयर्स से यहाँ पे फंक्शनल है, ठीक है। दोनों रिसर्च बेस के मैंने नाम नीचे लिख दिए हैं क्योंकि मेरे दिमाग से निकल गए, मैंने भी अभी सर्च करा क्योंकि ये सब ना न्यूज़ में आती ही नहीं आ रही है सब चीज़ें ना, कभी अभी अभी कुछ इंडिया ने करा है कि वो वाला रिसर्च बेस को मतलब उसके इक्विपमेंट्स वगैरह पुराने हो गए, तो अब वो नया रिसर्च बेस बना रहे हैं नए इक्विपमेंट्स के साथ, तो वो ही न्यूज़ में आया था। पर नॉर्मली ये सब खबरें कभी न्यूज़ में आती नहीं तो आम लोगों को पता नहीं चलती। हर साल इंडिया से एक पूरे का पूरा एक्सपीडिशन भी जाता है एंटार्क्टिका के लिए, जिसमें रिसर्चर साइंटिस्ट वगैरह काफ़ी सारे लोग जाते हैं। मेरे को भी नहीं पता था यार खुद से, मैं सच बताऊं तो, कि इंडिया की प्रेजेंस एंटार्क्टिका में पिछले 35 सालों से है, ये मेरे को भी नहीं पता था। क्या पता आप में से भी काफ़ी सारे लोगों ना पता हो। यहाँ चढ़ रहे हैं भाई एंटार्क्टिका के पहाड़ पे। तो भाई एंटार्क्टिका जो है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है,
उससे छोटे बस दो ही हैं, ऑस्ट्रेलिया जिसको ओशियाना कॉन्टिनेंट असली में, पर उसको ऑस्ट्रेलिया कह देते हैं, और दूसरा यूरोप। ये दोनों अंटार्कटिका से छोटे हैं। और अंटार्कटिका है भाई दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान भी। अब आप कहोगे भाई रेगिस्तान कैसे, क्योंकि रेगिस्तान तो हमारे दिमाग में आता है भाई मिट्टी होगी, है ना, पर नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि अंटार्कटिका में बहुत ही कम ये स्नोफॉल कह लो या फिर बारिश, प्रेसिपिटेशन बहुत कम होती है। ये बर्फ़ पड़ी है ना, ये बहुत सालों से पड़ी है, करोड़ों सालों से, ये पिघल नहीं रही, पर अभी धीरे धीरे पिघलनी शुरू हो गई है। तो अंटार्कटिका है दुनिया का वर्ल्ड्स ड्राइस्ट कॉन्टिनेंट भी। तो इसी ड्राइनेस से कॉम्पीट करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ कॉस आई क्यू का मॉइस्चराइज़र भी। तो भाई जो कॉस आई क्यू का मॉइस्चराइज़र है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट है, चिपचिपा भी नहीं है, और आता है एक पंप वाली ट्यूब में, और मॉइस्चराइज़र में NMF भी है, तो वो आपके नेचुरल स्किन के मॉलिक्यूल्स को भी रिप्लेनिश करता है। देखो भाई कहाँ चढ़ के आ गए, अंटार्कटिका के पहाड़ के ऊपर वहाँ खड़ा है हमारा शिप। बर्फबारी होने लग रही है, आपको दिख रही होगी। मैं पहली बार हुआ है भाई कि मैंने ना समुंदर में बर्फबारी देखी है। मैं पहले सोचता था कि यार समुंदर में बर्फबारी होती होगी, तो कई बार दोस्तों ने जवाब भी दिया था कि हाँ भाई होती है समुंदर में बर्फबारी होती है। मैंने कहा कैसा लगता हूँ ना, बर्फ़ तो समुंदर में गिरती पिघल जाती होगी, पर हमारी शिप पे गिर रही है ना, वो नहीं पिघल रही, वो ऐसी कैसी पड़ी है, और अब गर्मी लगने लग गई। कितना सही यार, मैं तो यार अपने इस मौके को ही मतलब वो कर रहा हूँ कि भाई मेरे को मौका मिला यहाँ तक आने का, वो ही बहुत बड़ी बात है यार, क्या ही बताएं। अंटार्कटिका देखते थे यार मैप्स वगैरह पे, आज यहाँ खड़े हैं, आज क्या मतलब पिछले 5-6 दिनों से यहीं पे खड़े हैं अंटार्कटिका में। वो आने लग रही भाई बोट, देखना वो बड़ा शिप भाई, वो देखो वो है पोर्ट लेक्रॉय, और वहीं पे है दुनिया का सदर्न मोस्ट पोस्ट ऑफिस, और एक तरह से आप कह सकते हो गिफ्ट शॉप भी, पर इस साल उन्होंने खोला ही नहीं, वो उसकी बात मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो भाई वो खड़ी अपनी शिप, यहाँ से देखो कितनी छोटी लग रही है जहाँ से मैं खड़ा हूँ, ठीक है। ये लोग आने लग रहे अभी भी ऊपर भाई, वहाँ पर भी लोग हैं देखो, वो छोटे छोटे दिख रहे हैं, फिर वहाँ पेंगुइन भी हैं, वहाँ भी गए हुए लोग जहाँ पे पेंगुइन है। तो पेंगुइन मैं आपको पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ सारे तरह के। ये देखो बर्फ़ पड़ी, इनको पार करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं शिप के पास, देखो कितनी बर्फ़ जमा हो गई। और भाई कई सारे मेरे फॉलोअर्स ने ना इंस्टा पे जाके स्टोरी डाल दी कि फ़र्स्ट इंडियन यूट्यूबर टू विज़िट, किसी ने डाल दी फर्स्ट इंडियन टू विज़िट अंटार्कटिका। भाई ऐसा नहीं है, लाखों इंडियन अंटार्कटिका आ चुके, और मेरा खुद का एक दोस्त यूट्यूबर जो है वो अंटार्कटिका आ चुके हैं, नान अन्वेषण, वो तेलुगु में वीडियोस बनाते हैं। मेरा बर्थ प्लेस वैसे आंध्र प्रदेश का है, तो मतलब आंध्र प्रदेश की लैंग्वेज है तेलुगु, तेलंगाना की, तो वो तेलुगु में वीडियो बनाते हैं, शायद 2 साल पहले आए थे, तो उनसे भी मैंने काफ़ी जानकारी ली थी। तो ऐसा नहीं कि मैं पहला हूँ दूसरा हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग आ चुके भाई इंडियंस मतलब जो नॉर्मल इंडियंस है, साइंटिस्ट रिसर्चर्स वगैरह के अलावा भी हर साल बहुत ही सारे इंडियंस अंटार्कटिका विजिट करते हैं। हाँ इतना विजिट नहीं करते जितना US कनाडा वगैरह के लोग आसपास के गोरे विजिट करते हैं, पर हाँ हमारे देश में से भी काफ़ी सारे लोगों ने विजिट कर रखा है। पर जो शायद पूरी तरह हिंदी में वीडियोज़ बना रहा है और यूट्यूबर है पूरा, वो शायद मैं पहली बार मतलब ढंग से बना रहा हूँ वीडियोज़, तो आप उस चीज़ को कह सकते हो, पर ऐसा कोई क्लेम नहीं है भाई कि मैं ही पहला हूँ या फिर मैं ही पहला यूट्यूबर हूँ, नहीं है भाई, इंडिया से भी मेरे कई सारे दोस्त भी आके विज़िट करके जा चुके हैं। तो भाई एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि भाई पूरे क्रूज़ में मैं और नवदीप पाजी पूरी तरह फेमस हो चुके हैं, क्योंकि सब लोगों ने पता कर लिया कि भाई हम यूट्यूबर हैं, हम यूट्यूब पर वीडियोज़ बनाते हैं, सब आके पूछ रहे हैं भाई अपना चैनल का नाम बताओ, ओ भाई आपके 1 मिलियन फॉलोअर, सब हैरान हो गए। कई उन्हें भी पूछ लिया कि आप फ्री में कर रहे होगा क्रूज़, मैंने कहा नहीं भाई, क्रूज़ कंपनी से हमने बात तो करी थी, पर मना कर देती है ज़्यादातर अंटार्कटिका क्रूज़ नहीं देती फ्री में, क्योंकि उनको पता है उनका क्रूज़ भरेगा ही और जिसको जाना है वो पैसे देगा ही। तो मैंने कहा भाई मेरे सब्सक्राइबर्स ही बहुत है, ये ट्रिप मेरे लिए स्पॉन्सर करने के लिए, क्रूज़ वालों की जरूरत नहीं है मेरे को। तो भाई सब लोग आके पूछ रहे हैं, जितने भी लोग हैं सारे गाइड वगैरह सब लोगों ने पूछ लिया, क्योंकि इनके लिए भाई बहुत ही मतलब वैसी चीज़ है ये कि भाई 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो मैंने कहा हाँ, तो भाई कितने लोगों को बता चुके, सब लोग खड़ा के पूछ लेते हैं हमसे कि भाई आप कैसे कर रहे हो, ये कितने साल हो गए। तो मतलब छोटे क्रूज़ पे आने का ये होता है कि आपको सब लोग जानने लग जाते हैं। एक गाइड ने तो भी रोक के बोला कि भाई मैं आपको ना हेलो भी बहुत कम बार बोल पाता हूँ। मैंने कहा क्यों, कहता आप ज़्यादातर वीडियो बना रहे होते हो तो मेरी हेलो भी निकल जाती है,
मैं कर नहीं पाता, पर आज आप बना नहीं रहे तो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने उस गाइड से पूछा कि हट वगैरह किस लिए थे, मतलब डिटेल में बता दे थोड़ा। कहते रेफ्यूजी हट थे, मान लो कि पुराने ज़माने में आपका शिप वहाँ पे आया पर वो फंस गया बर्फ़ की वजह से, यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। तो आप यहाँ पे रह रहे हो ना, तो आपकी सप्लाईज़ ख़त्म ना हो जाए, तो इसलिए यहाँ पे सप्लाईज़ वगैरह रखी होती थी कि आप शिप, आपका शिप सप्लाईज़ देने आया आपके लिए, पर वो आ ही नहीं पा रहा यहाँ पे। तो आपको खाना वाना आपका सारा इसमें स्टोर रहता था, इसलिए थे ये। अभी कोई भी नहीं है, दोनों ये खाली हैं। एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ, एंटार्क्टिका में ये भाई सबसे बड़ा ओजोन होल, जो ओजोन होल होता है भाई, जैसे जो हम फ्रिज में एसी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज़ करते हैं ना, उससे ओजोन होल हो जाता है। ओजोन होल भाई काफ़ी हार्मफुल सन रेज को ब्लॉक करता है। पर एंटार्क्टिका में आप आ रहे हो तो भाई अपनी प्रिपरेशन करके आना, चश्मा वगैरह पहन के आना, सनस्क्रीन वगैरह लगा के आना, वरना आपकी स्किन वगैरह ख़राब भी हो सकती है। तो सबसे बड़ा ओजोन होल एंटार्क्टिका में है, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी भाई कॉस आईक्यू का ब्रांड जो है शार्क टैंक पे भी फीचर हो चुका है, और कॉस आईक्यू का ब्रांड कुछ नेचुरल या ऑर्गेनिक होने का भी दावा नहीं करता, क्योंकि नेचुरल तो मिट्टी भी है और केमिकल फ्री की भी कोई बातें नहीं करते, क्योंकि भाई केमिकल तो पानी भी है। ये सिर्फ यूज करते हैं लैब में टेस्टेड मॉलिक्यूल्स जिनकी साइंटिफिक बैकिंग है, तो इट्स केमिकली बेस्ड साइंटिफिकली बैक्ड इंग्रेडिएंट्स जो कि आपको रिजल्ट्स दें। बाकी भाई ड्राइनेस चाहे राजस्थान की हो चाहे एंटार्क्टिका की हो, मॉइस्चराइजर होना चाहिए कॉस आईक्यू का। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो। टाइम आ गया है भाई अब वापस जाने का, बोट पे बैठ के शिप तक। भाई वो देखो वहां पे बैठे हैं पेंगुइन, कितनी दूर हैं भाई, छोटे छोटे देखना। तो ऑप्शन रहती है हमारे पास भाई, देखो या तो पेंगुइन देखने चले जाओ, या फिर उस तरफ चले जाओ व्यू लेने, या फिर बिल्कुल ऊपर चले जाओ। हम भाई बिल्कुल ऊपर ही चले गए, हमने कहा ऊपर तक चलते हैं, पेंगुइन वेंगुइन बहुत देख लिए। तो वो देखो आइसबर्ग भाई, आइसबर्ग के भी कई सारे प्रकार होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। भाई देखो एक वो शिप के साइज़ की जो आइसबर्ग है ना, उसको हम आइसबर्ग ही बोलेंगे, वो है एक आइसबर्ग जो यहाँ पे जुड़ा है, वो ग्लेशियर हो गया। फिर भाई वो जो छोटे साइज़ का हो गया, तो भाई जो बिल्कुल ही मतलब बर्फ़ लेयर पे जम जाते हैं ना समुंदर की, उसको कहते हैं सी आइस। फिर उससे बड़े वाले आते हैं जो मतलब थोड़े बर्फ़ से थोड़े से बड़े होते हैं। फिर आते हैं भाई इस साइज़ वाले, ये जो आपको दिख रहे हैं। फिर आते हैं उस शिप के साइज़ वाले, जो शिप जितने बड़े होते हैं उनको असली में आइसबर्ग डिक्लेयर कर सकते हैं। ये सब आइसबर्ग नहीं है, इनका अलग अलग नाम बता रहे थे, मेरे दिमाग से निकल गया, बस सी आइस याद रह गया मेरे को। तो यहाँ पे भी पड़े हैं कितने सारे, इन सबको आइसबर्ग नहीं, आइसबर्ग सिर्फ वही है जो बड़े हैं, जो शिप के साइज के होते हैं लगभग। चलो भाई वापस जाने का टाइम हो गया, मेरे जूतों में तो फिर पानी भरेगा, जूतों में नहीं सिर्फ जूते में, राइट वाले में भर रहा है, लेफ्ट वाला बिल्कुल सही है। तो अच्छा हो मैं सॉक्स नहीं पहन के आया, वरना और दिक्कत हो जाती। आज गलती से छोड़ा है मैं सॉक्स पहननी, और देखो फायदा सा हो गया। ओ पाजी, हाँ आंटी अकेली आई है बिल्कुल। चलो भाई इन जूतों में, इस वाले जूते में पानी भर गया मेरे, इस वाले में बजने लग रहा है। तो ये कह रहे हैं जूते वापस जाके ना उनको दे देना, और ये लोग फेंक देंगे इस पूरे जोड़े को, क्योंकि ये अब रिपेयर नहीं हो सकते। चलो भाई डेमो पॉइंट को बाय बाय कर देते हैं, कई बार ऐसे पानी में उतरना पड़ता है, तो पैंट हमेशा आप जूतों के ऊपर ही पहनना भाई, वरना अगर आप यहाँ पहनोगे ना तो यहाँ तक पानी आएगा तो अंदर घुस जाएगा, पर अब चाहे यहाँ तक भी आ जाएगा ना तो घुसेगा नहीं, बहुत कम चांसेस रहेंगे। तो ये जूते पहनने और वाटरप्रूफ पैंट पहनने की भी टेक्निक होती है। चलो भाई चलते हैं शिप की तरफ। तो भाई यहाँ डामोए पॉइंट से हमारा शिप निकल चुका है, बर्फबारी यहाँ पे भी चलने लग रही है। ये निकल चुका भाई हमारा शिप, बर्फ का थोड़ा पानी सा ही आने लग गया। तो एक मेन चीज जो मेरे को आपसे डिस्कस करनी थी, आप कहोगे भाई तू इंडिया का झंडा लहरा रहा है, इंडियन पासपोर्ट के साथ घूम रहा है, पर तेरी वीडियो में हम देखते हैं तू इंडिया की बुराई करता रहता है, ये करता रहता है, वो करता रहता है। भाई जो समझदार लोग होते हैं वो समझते हैं हर चीज में नुक्स होती हैं, जिसको आप निकालोगे नहीं बताओगे नहीं तो लोग नहीं सुधरते। बहुत सारे लोगों ने मेरे से कहा भाई माइक लगा ले, माइक लगा ले, माइक लगा ले, मेरे को टाइम लगा पर मैं माइक लगाने लग गया भाई। जब भी विंड होती है कई बार भूल जाता हूँ, ठीक है, पर मैंने खरीद लिया, लगा रहा हूँ माइक, ठीक है। तो मैं अपने देश की बुराई नहीं करता, मैं सच्चाई बताता हूँ कि भाई ये दिक्कत है हमारे देश में, ये ठीक हो जाए तो कितना अच्छा होगा। और भाई अगर आप किसी को नुक्स नहीं बताओगे ना तो वो कभी सही हो ही नहीं सकता, और नुक्स निकालना कोई बुराई करना नहीं होता, वो होता है कि भाई इम्प्रूवमेंट के चांसेस होते हैं। हर इंसान में भी
मतलब इम्प्रूव करने के चांसेस होते हैं कि भाई वो बंदा इम्प्रूव हो जाए, अपने से बेटर वर्जन बन जाए। हमारा देश का सबसे बेस्ट है, अमेरिका वाले भी नहीं कह रहे कि भाई हमारा देश सबसे बेस्ट है, वो जो ज़्यादा ही सुपर ने वो नेशनलिस्ट लोग होते हैं अमेरिका के, वो कहते हैं कि हमारा देश सबसे बेस्ट है। अमेरिका में आज भी चुनाव होते हैं, इतना ही बेस्ट है, चुनाव बंद कर दो भाई, नहीं कह रहे ना उन्होंने, हर चार साल में चुनाव होते हैं वहाँ पे भी कि भाई अपने नए मुद्दों पे लड़ो चुनाव। तो मुद्दा नहीं होगा, मुद्दे ही सारे खत्म हो जाएंगे, फिर किस चीज़ पे चुनाव लड़ना है? फिर तो भाई अपना नॉर्थ कोरिया के इधर किम जोंग उन को सेलेक्ट करके बैठ जाओ, 50 साल तक वही राज करेगा। मैं ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता ना कुछ, भाई अपने मुद्दों को सपोर्ट करता हूँ मैं, जो मेरे मुद्दों को ऊपर लेके आएगा भाई मैं उसके साथ रहता हूँ। और भाई हमारा पासपोर्ट कमज़ोर है, होती है मेरे साथ इमिग्रेशन पे ना इंसाफी भाई, हर बार होती है, मेरे को रोक के रखते हैं, मेरे बैग खुलवाते हैं, बहुत होता है भाई। मैं बोलूँगा नहीं तो भाई पता कैसे चलेगा, मैं क्या बोलूँ कि भाई मेरे पासपोर्ट पे थर्ड से ठप्पा मारा और कह दिया जाओ भाई, नहीं है भाई इंडियन पासपोर्ट की इतनी इज्जत। ठीक है हम इम्प्रूव कर रहे हैं, 2017 में मैंने घूमना शुरू किया था, उससे बेटर हो चुका, मैं ये भी कहता हूँ हर बार, पर उतना बेटर नहीं हुआ भाई जितना कई गरीब देशों का भी है। ठीक है भाई जैसा भी है, पर भाई नुक्स निकालना, बेइज्जती करना नहीं होता या बुराई करना नहीं होता कि हमारे देश की बुराई कर रहा है। अरे पागलों भाई तुम भी तो इम्प्रूव करो, इम्प्रूव होएगा देश तभी तो आगे चलेगा, या फिर मतलब मान के बैठ जाओ कि बेस्ट है हम तो, गाने सुन लिए बस बॉलीवुड के हम तो बेस्ट है, भाई ऐसे नहीं होता। बेस्ट जो देश है आजकल यूरोप अमेरिका, वो भी अपने आप को बेस्ट नहीं कहते, हम कैसे कह रहे हैं भाई, हम पीछे हैं, हम जब तक स्वीकार नहीं करेंगे ना उस चीज़ को हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। अब करना है कर लो, स्वीकार नहीं करना मत करो भाई, मेरी ज़िंदगी सही चल रही है, तुम लोग कमेंट करते रहा करो बेवकूफों की तरह, तुम पागल बने रहोगे, अब क्या कर सकते हैं। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, आज हमने लहराया एंटार्क्टिका में अपना झंडा और आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।